उस तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ चौकोस मैंने मेरे लिए लिए, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं चौकोस का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, बट इसलिए लिए क्योंकि वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा क्यों लिए। स्प्राइट जैसी आया नहीं है ब्लॉग में, स्प्राइट जैसी है। हाँ हाँ 10 रुपये की चीज़ें लेकिन स्प्राइट जैसी मत, अगली बार ये लेंगे अपन आते ना। सो हेलो गाइस अगेन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, और आज बहुत टाइम बाद लाइट चालू कर दे, गजब बेइज्जती है। तो काफ़ी टाइम से गाइस ब्लॉग नहीं आया था बिकॉज पिछले महीने मैं बहुत ज़्यादा एंगेज था दूसरे कामों में, इसकी वजह से मेरे द बॉक्स एंड बॉक्स वाले वीडियोज़ भी काफ़ी अफेक्ट हो रहे थे। बट अब मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा करके वेडनेसडे और सैटरडे कर दिए द बॉक्स एंड बॉक्स पर, और मैं सोचा था कुछ ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम, तो एक ब्लॉग बना देते। फिलहाल मैं अभी अपना नाश्ता कर रहा हूँ जो कि है दलिया और छाछ, जो कि बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। ब्रेकफास्ट लिए हुए कुछ एक घंटा हो चुका है, और आज का सुबह भी मतलब आज सुबह से ही काफ़ी हेजी सा मौसम हो रहा है, और अच्छी बात है धूप ज़्यादा निकल नहीं रही बिकॉज आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और फिर पसीना पसीना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो अच्छा ऐसा मौसम रहना चाहिए। और मुझे मार्केट भी जाना है मम्मी को लेकर के, तो इट्स गुड फॉर मी। और आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ बिकॉज आज मोहर्रम की छुट्टी है जिम में, और जो मैंने आपको चौकोस का बताया उसका जो मील है वो मैं मार्केट से आने के बाद बनाऊँगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो कैसा रहता है और चौकोस मैंने क्यों खरीदे। आई एम ऑफ टू मार्केट नाउ मम्मी के साथ में, और फिर आकर के शायद मैं अपना लास्ट मतलब दिन का मील लूँगा, लंच वाला मील, देन आफ्टर मैं एक होम वर्कआउट करूँगा बिकॉज आज एज वी ऑल नो जिम्स बंद है, तो मैं आके एक होम वर्कआउट करने की सोच रहा हूँ, शायद करूँ शायद ना करूँ, बिकॉज जिम का एक पूरा अच्छा इन्वायरमेंट रहता है और घर का थोड़ा सा, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। एंड तो अभी जाता हूँ, और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा ड्रैगन बॉल सुपर, जिसकी वजह से मेरी बुक रीडिंग भी बहुत अफेक्ट हो रही है पिछले कुछ महीनों से, जब मैंने ड्रैगन बॉल जी स्टार्ट किया था उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर मैंने देखा है, तो जल्दी से मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ बिकॉज इसके बाद मैं कहीं और अपना माइंड लगा सकूँ, बिकॉज मैं अगर कोई सीरीज़ या कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ उस चीज़ के अंदर, वेदर इट इज़ ड्रैगन बॉल सुपर और वेदर इट इज़ फिटनेस, तो एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ तो मेरी बाकी चीज़ अफेक्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ जल्दी से उसको कंप्लीट करूँ, देन आई स्टार्ट माय रीडिंग एंड ऑल, एंड जो भी मेरा पैटर्न है उसको मैं वापस सेटिस्फाई करूँगा। सो लेट मी जस्ट गो टू द मार्केट, देन वी विल सी यू गाइस। ओके सो नाउ इज द टाइम कि मैं अपना मील बनाऊँ ओट्स वाला, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मैं खुद बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सो गाइस जो ओट का मील रहता है मेरा ओट्स का, ये मैं बनाता हूँ, इसके अंदर मैं केला डालता था एक, बट केला जो होता है वो लेस इन प्रोटीन और हाई इन कार्ब्स और फैट में भी इतना नहीं होता है, बट हाई इन कार्ब्स होता है और पोटेशियम और वो सब होता है, बट मैं अभी प्रोटीन सोर्स ज़्यादा, मम्मी वीडियो बना रहा था मैं, थैंक यू। तो जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होती है मैं उन चीज़ों पर आजकल ज़्यादा गौर फरमाता हूँ और ज़्यादा उनको कंज्यूम करने की सोचता हूँ, तो चौकोस जो है प्रोटीन रिच कंटेंट होता है इसके अंदर बहुत अच्छा, और एक पैकेट के अंदर आपको कुछ 2 से 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है इसके अंदर, 2 से 3 या 102 ग्राम, बाकी अगर आप केले में देखोगे तो केले में आपको 0 point कुछ ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा यू नो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसकी जगह पर, और इसकी और उसकी कैलोरीज भी कुछ एक जैसी थी, तो मैंने सोचा कि अगर प्रोटीन अपन को इसमें ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू केला, तो वाई शुडेंट आई ट्राई दिस, तो दैट्स वाई मैं चौकोस लाया हूँ और उसको पहली बार ओट्स के अंदर मिला के खाने वाला हूँ। सो ये कुछ 26 ग्राम्स ऑफ चौकोस हैं, ओके सारे नहीं मिलाऊंगा, पहले थोड़े ही मिलाएं जैसे मैं टेस्ट कर सकूँ कि मुझे ये कैसा लगेगा, तो कुछ ऐसा है ये, और ये चौकोस जो है ये कुछ स्पाइडरमैन वाले हैं, बाकी नॉर्मल फ्लेवर आता हुआ इनका, बाकी ऐसा कुछ मील दिखता है, ये ओट्स हैं और ये चौकोस हैं, लेट्स ट्राई इट। There you go.
वैसे जो ओट्स बनते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है, बस इसके अंदर चौकोस डाल के इतना कोई फ़र्क मुझे महसूस नहीं हो रहा, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ उसका थोड़ा क्रंचीनेस आ रहा है और थोड़ा सा स्वीटनेस जो है वो आ रहा है, अदरवाइज कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बाकी यार गुड टू गो फॉर मी और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे खाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। यप, तो अब मैं मिलता हूँ आपको इस मील के बाद और बातें करते हैं। ओके गाइस, सो एक बहुत अच्छी नींद से जागा हूँ मैं, बस मॉर्निंग में कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे साथ में कि मुझे जो नीड होती है नींद की वो पूरी नहीं हो पाती, तो मैं कभी कभार दिन में सोने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एज वी ऑल नो कि अगर आप बॉडी को कहीं लगा रहे हो लाइक उससे अगर वर्कआउट करा रहे हो तो उसको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। सो जहाँ तक वर्कआउट की बात आती है, मैंने होम वर्कआउट आज नहीं किया बिकॉज मुझे लगा नहीं कि आज मुझे वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज आज मैंने बॉडी को रेस्ट दिया। तो अभी मैं जाऊँगा एक अच्छी सी लंबी वॉक पे राहुल खंडेलवाल के साथ में, तो अभी हम मिलेंगे और वॉक पे जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा वॉक करने निकल गया हूँ राहुल के साथ, राहुल अभी आने वाला है, ज्वाइन करेगा अपन को, अभी मैं निकल गया हूँ अकेले वॉक करने और राहुल के पास ही जा रहा हूँ। वैसे मैं थोड़ा जल्दी निकलने की सोची थी बट कुछ काम आ जाते हैं घर के, ये लाओ वो लाओ, आप समझ सकते हो इंडियन जो घर के लड़के होते हैं उनको पीछे बोले दूध लेके आ जाओ, एक किलो मैदा ले आओ, सूजी ले आओ, तो उसमें फिर पर कोई बात नहीं, आज वॉक करने का ज़्यादा है बिकॉज आज मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया, सो आज वॉक ज़्यादा करने की सोच रखी है, सो ऑफ कोर्स अप्लाई करेंगे उसको और ज़्यादा ही वॉक करेंगे। और भाई कैसे हैं आप? अच्छा आज फिर से ब्लॉग? हाँ हाथ तो मिला यार, बेइज्जती कर देते तुम लोग यार। नहीं नहीं सॉरी, पर क्या बोलते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा अपीयर होता हूँ ना, लोगों को ये ना लगने लगे कि मैं ही चैनल चलाता हूँ। अपीयर करता कौन है वो भी तो देखो। मास्क ज़रूरी है भैया? हाँ तो मास्क अभी वो आवाज़ नहीं आती है, फिर मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रखा है पर आवाज़ नहीं आती है। कौन है? फिल्म भी हटा देगा। हाय गाइस, हेलो राहुल, कैसे हैं सर? तो आईफोन वाला बंदा। तो आजकल राहुल और मेरी जो वॉक हुई और काफ़ी कंसिस्टेंट नहीं होने लगे अपनी वॉक से, बहुत ज़्यादा है ना, मतलब अभी इस वीक के अंदर मैंने अपना एनालिटिक्स देखा था, अभी कितने दिन हो गए इस वीक के, आज फ्राइडे है ना, तो 5 दिन हो गए और 55,000 स्टेप्स 5 दिन के अंदर। हाँ तो रोज़ अपन 10,000 लगभग 10,000 प्लस चलते हैं रोज़। तो बहुत अच्छा लगता है यार आजकल, बहुत कंसिस्टेंट। अभी बीच में हमने स्टार्ट किया था बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो वापस से बंद हो गया था। और मेरी आईडी चली गई स्टेप सेट वो की, स्टेप सेट की, इसलिए इस चक्कर से मैं मेरे स्टेप्स ही काउंट नहीं कर पाता हूँ पूरे डेज के। तो अभी थोड़ा वॉक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कितने स्टेप्स हुए, और कोई अच्छी लाइट वाली जगह ढूंढेंगे बिकॉज अभी अंधेरा होने लग गया यार। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे आईफोन से बनाओ ना। मिलते हैं गाइस। तो गाइस आज का वॉक कंप्लीट हुआ, 12,500 स्टेप्स इन टोटल कंप्लीट करे आज हमने, अराउंड अभी मैं 500 कैलोरीज बर्न हो गई है। तो राहुल भैया जा रहे हैं, बाय बाय। ठीक है, और अपन कल ब्लॉग कंटिन्यू करो बिकॉज आई थिंक अभी थोड़ा शॉर्ट ही बना ब्लॉग, तो कल जिम के बाद मैं एंड कर दूंगा ब्लॉग। तो अभी अपन चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर सोते हैं, और फिर कल जिम में मिलता हूँ आपको, डायरेक्ट जिम में मिलता हूँ या कभी भी मिलता हूँ तब भी बता दूंगा जब अच्छा शॉट मिलेगा। तो अच्छा राहुल भाई मिलते हैं, ठीक है ना, बाय। और कल अभी और मिलते हैं अपन चलने के लिए, बिल्कुल। ओके सो इट्स अ नेक्स्ट डे और आज मैं अभी जिम में हूँ। आज मुझे बेसिकली 4 मसल ग्रुप टारगेट हुए हैं बिकॉज एक दिन का मेरा मोहर्रम की वजह से छुट्टी थी, सो या लेट्स डू इट एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और अभी शाम हो रही है बिकॉज सुबह मैं आ नहीं पाया बिकॉज कुछ काम था, सो लेट्स डू इट। आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा लगा, अभी लास्ट सेट जा रहे हैं और आज हमारे साथ में वो हैं, तो आई होप सो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे इनको, पर आज ये जिम में आ चुके हैं और बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि बताओ लोगों के बच्चे बात हो। खंडेलवाल साहब अभी वॉक पे भी जाना है, बिल्कुल अभी जाना है, अभी घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और
ठीक है, अभी घर चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, आज मैंने 6 मसल ग्रुप को वो करा हिट, 6 मसल ग्रुप को सबकी 2-2 एक्सरसाइज लगाई। मेरे को तो अभी भैया ने पूरा ख़त्म कर रखा है, कैमरे में देख के बोलेगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर ख़त्म करो एक्सरसाइज में। तो आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा था, और एज यूजली वैसे मैं इतना इंटेंस लगा था नहीं, बट आज जो है इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी, रेप्स भी अच्छे थे, बट मोर देन एनी थिंग इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी। सो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा गया। मैं थोड़ा सा ये जो रूम है ये ऐसे चेंजिंग रूम और सब, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं मसल्स को, देन ऑफ टू होम जाएंगे। राहुल भी आ रहे हैं अभी, उसका भी वर्कआउट ख़त्म होने वाला है। सो या लेट मी स्ट्रेच सम।